अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइबर्स, आज हम इस वीडियो में डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कस करेंगे विद डायग्राम्स, किस तरह से स्टार्ट होती है और दो स्ट्रैंड्स किस तरह इन्वॉल्व होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो फोर पॉइंट्स हैं मेन बेसिक डीएनए रेप्लिकेशन में, इनको पहले समझना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए रेप्लिकेशन इज बाई डायरेक्शनल, कि किस तरह से कि ये ओल्ड स्ट्रैंड है, ये ओल्ड स्ट्रैंड से अब दो स्ट्रैंड बन रहे हैं कि मींस रेप्लिकेशन हो रही है। अब इस दो जो दो स्ट्रैंड ओपन होंगे तो इसमें एक ओल्ड होगा एक न्यू होगा, तो इस तरह डीएनए रेप्लिकेशन को हम कह सकते हैं दिस इज सेमी कंजर्वेटिव। बाई डायरेक्शनल भी आगे हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इस सेमी कंजर्वेटिव का मतलब यही है कि ओल्ड भी स्ट्रैंड होता है और न्यू भी, ब्लू कलर में न्यू, ओल्ड में ये रेड आपको शो हो रहा है, इसी तरह इसके दूसरे स्ट्रैंड से भी ओल्ड और न्यू। अब सेकंड पॉइंट था दी टू डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल, कि ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 prime दूसरा 3 to 5 prime की तरफ मूव कर रहा है। अब हमारे पास थर्ड पॉइंट है DNA has complementary base pairing. Complementary means कि एक दूसरे के anti, एक दूसरे के anti parallel. कि suppose कि एक strand हम इसी को ही कि जिसको हमने कहा था कि anti parallel है, तो इस तरह एक strand 5 to 3 prime दूसरा 3 to 5 prime है, तो इन दोनों के ऊपर हमने अगर इस तरह लिख दिया ये suppose sequence है ATGC, तो A के against T आता है और G के against C आता है कि ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो इधर दूसरे स्टैंड पे जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल था, ए के अगेंस्ट टी आया, टी के अगेंस्ट ए आया, टी के अगेंस्ट ए और जी के अगेंस्ट सी एटसेट्रा, तो इस तरह ये 5 to 3 prime और ये 3 to 5 prime या 3 to 5 direction में है। फोर्थ पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होल्ड न्यूक्लियोटाइड्स टूगेदर, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ये इन बेस पेयर्स को जो हमने ऊपर पढ़ी है ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कि इनको होल्ड करके रखता है, तो हम देखते हैं ए और टी के दरमियान जो है ये डबल बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, के डीएनए का एक स्ट्रैंड है ये दूसरा, इस तरह जी और सी के दरमियान जो है ये ट्रिपल बॉन्ड है जो इसको होल्ड करके रखता है, तो इस तरह ये जो दो स्ट्रैंड थे ये जो आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं डीएनए रेप्लिकेशन के सिंथेसिस, पीछे तो हमने पढ़ लिया कि डीएनए इटसेल्फ जो उसके उसके दो स्ट्रैंड है किस तरह से है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एंट्री पैरेलल है, क्या है। 11 पॉइंट्स है, इन 11 पॉइंट्स में जो फर्स्ट पॉइंट्स है डीएनए रेप्लिकेशन यूजुअली प्रोसीड्स बाई डायरेक्शनल, अब बाई डायरेक्शनल को देखते हैं कि दोनों तरफ उसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है डीएनए की, किस तरह से होती है कि हमारे पास इस तरह डीएनए का स्ट्रैंड है तो ये एक पॉइंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होनी है, तो इस तरफ भी जाती है रेप्लिकेशन उसी ही स्ट्रैंड पर और इस तरफ भी जाती है अगर पूरा डीएनए का एक सेगमेंट है। यूनिडायरेक्शनल क्या है कि यूनिडायरेक्शनल जस्ट एक साइड पे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, तो जिस तरह यहाँ अगर पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन है तो इस तरफ जस्ट जब होगी तो उसको कहेंगे। अब सपोज हम ये इसी तरह रेप्लिकेशन इधर भी हो रही है इस साइड पे जहां कर्सर मूव कर रहे हैं और इधर भी हो रही है, तो हमने जस्ट यहाँ पढ़ना है एक साइड वाला, अभी एक आपको यहाँ ड्रा करके दिखाते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा हेलिकेज सेपरेट्स द डीएनए स्ट्रैंड्स, तो हेलिकेज एंजाइम है ये डीएनए स्ट्रैंड्स को यहाँ से ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ये जो बेस पेयर थे इनके दरमियान बॉन्ड थे हाइड्रोजन बॉन्ड जिनको इसने होल्ड करके था। थर्ड पॉइंट था टोपो आइसोमरेज रिड्यूस दिस ट्रांजिशनल स्ट्रेन्स एंड पॉजिटिव सुपर कॉइल, जो कॉइलिंग होती है कि डीएनए के स्ट्रैंड बल खाते हुए एक दूसरे के अंदर लिपटे होते हैं, ये जी जो पॉइंट मैंने सर्कल किया हुआ है ये आपको नजर आ रहा है, तो इसको ओपन करता है टोपो आइसोमरेज, ओपन समझ लें या इसको रिलैक्स कर देता है, इसका जो कोइलिंग है वो रिड्यूस कर देता है टोपो आइसोमरेज एंजाइम। नेक्स्ट इसके बाद है जी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन SS प्रोटीन SSB प्रोटीन स्टेबलाइज दी आइसोलेटेड स्ट्रैंड, तो ये SSB जो ये स्ट्रैंड स्टेबलाइज ये अलग हो जाता है सेपरेट हो जाता है उसको ये प्रोटीन स्टेबलाइज करती है कि कहीं ये डीनेचर ना हो जाए, टूट ना जाए, सारे इसके न्यूक्लियोटाइड अलग ना हो जाए या दोबारा इससे
जुड़ ना जाए जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे रहे हैं। तो यहाँ SS प्रोटीन SSB प्रोटीन आ जाती है और इनको अलग करके रखती है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है SSB प्रोटीन के बाद, फिफ्थ पॉइंट, DNA रेप्लिकेशन रिक्वायर्स ए RNA प्राइमर टू बिगिन। कि RNA प्राइमर एक स्टार्टर पॉइंट है या एक स्टार्टर चाहिए होता है DNA रेप्लिकेशन की सिंथेसिस के लिए। RNA प्राइमर बेसिकली RNA का ही सीक्वेंस है, इसी को देख के पोलीमरेज 3, जो DNA पोलीमरेज 3 है वो आता है। तो DNA पोलीमरेज 3 क्या करता है, एड न्यूक्लियोटाइड्स इन दी 5-3 प्राइम डायरेक्शन के, 5-3 प्राइम डायरेक्शन में चला जाता है। अगर ये स्ट्रैंड टेम्पलेट है जिसको देख के नियर स्ट्रैंड बनना है 3-5 प्राइम, तो ये 3 डायरेक्शन पे मींस जो 3 का पॉइंट होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा 5-3 डायरेक्शन में। तो DNA के टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 इधर, ये जैसे ये है, ये RNA प्राइमर या प्राइमेज इसको बोलते हैं, और ये DNA पॉलीमरेज 3 आ गया। ये टेम्पलेट स्ट्रैंड जो व्हाइट कलर में जा रहा है ये 3-5 प्राइम डायरेक्शन है। और DNA पॉलीमरेज 3 जो है उसकी एबिलिटी है कि वो DNA का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके अगेंस्ट 3 प्राइम पे अपना एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, मतलब जो ऐड करता जाएगा वो 5-3 प्राइम डायरेक्शन में होंगे, जैसे यहाँ आपको दिखाया जा रहा है। इसी तरह दूसरे स्ट्रैंड पे भी, क्योंकि DNA के दो स्ट्रैंड होंगे, इस तरफ भी रेप्लिकेशन चल रही होगी, इस तरफ भी चल रही होगी। अगर इस तरफ चल रही है तो दोनों स्ट्रैंड पे, एक स्ट्रैंड का हमने इधर आपको बता दिया, दूसरा स्ट्रैंड इटसेल्फ वो 5-3 प्राइम होगा, वो इसके जो एंटी पैरेलल होगा, जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है। तो इस तरह DNA पॉलीमरेज 3 जो है वो 3 प्राइम जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसका ये है, यहाँ से ऐड करना शुरू कर देगा 5-3 डायरेक्शन में। जब यहाँ से मूव करेगा उसी तरह RNA प्राइमेज आएगा, तो ये लीडिंग स्ट्रैंड होगा और ये वाला लैगिंग स्ट्रैंड होगा, क्योंकि इस स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन है वो उल्टा है इसके। तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होगी, टुकड़ों में होगी, इस वजह से इसको लैगिंग स्ट्रैंड, एक टुकड़ा यहाँ बन गया और एक टुकड़ा यहाँ, जो इसका जो होगा बेस पेयर सीक्वेंस उसका, इसका एंटी पैरेलल का ये होगा, जो इस स्ट्रैंड का होगा वो इस स्ट्रैंड का एंटी पैरेलल होगा। इसी तरह RNA प्राइमर या प्राइमेज आता जाएगा, DNA पॉलीमरेज उसको देख के शॉर्ट पीसेस ऑफ DNA जो न्यूली स्ट्रैंड होगा ये सिंथेसाइज करता जाएगा इस स्ट्रैंड को देख के। तो इस वजह से ये लैगिंग स्ट्रैंड कहेगा, ये लीडिंग इसके ऊपर कंटिन्यूस चलती है। रीजन क्या है, इसको 3 प्राइम इजिली मिल जाता है DNA पॉलीमरेज 3 को, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ उल्ट रिवर्स चलना पड़ता है। इस वजह से ये लैगिंग स्ट्रैंड के DNA पॉलीमरेज 3 जो है टेम्परेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है और जो न्यूली सिंथेसाइज होता है वो 5-3 प्राइम में होता है। तो लिहाजा ये 5-3 प्राइम में होता है, तो इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होती है, तो यहाँ पॉइंट्स रहते जाते हैं। नेक्स्ट है जी 7 पॉइंट्स हमारे पास, कि DNA रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। सेमी डिसकंटिन्यूअस मीन्स कि एक पॉइंट के ऊपर डिसकंटिन्यूअस, एक स्ट्रैंड के ऊपर, दूसरे के ऊपर डिसकंटिन्यूअस, ये टुकड़ों में जा रही है कि यहाँ से हुई फिर रुक गई, फिर यहाँ से हुई तो फिर रुक गई, क्योंकि आगे प्राइमेज आ जाता है, रुक जाती है, तो इस वजह से सेमी डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। 8th पॉइंट है हमारे पास, DNA पॉलीमरेज 1 रिमूव द RNA प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद DNA, कि इसको रिप्लेस कर देते हैं DNA के साथ। कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो मिसिंग चीजें हैं, ये वाली और ये जो RNA प्राइमर है, तो पॉलीमरेज 1 आता है, ये येलो कलर है, देख लें ये RNA प्राइमर है। RNA प्राइमर का DNA सिंथेसिस में ये जो न्यूली स्ट्रैंड बनेगा उसमें कोई काम नहीं है, तो ये इसको DNA की बेसिस के साथ ATGC कोई भी यहाँ तो ये लगा देता है, तो प्राइमर्स को या RNA प्राइमर्स को रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद ये DNA पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है। नेक्स्ट 9th पॉइंट, DNA लाइगेज सील द निक आफ्टर द प्राइमर इज रिप्लेस्ड विद DNA, तो ये इसको रिमूव कर देता है। किस तरह से करता है तो हम इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ 9th पॉइंट था DNA लाइगेज वाला, कि ये जो पॉइंट रह गए थे कि RNA प्राइमर को भी उसने DNA के साथ रिमूव कर दिया पॉलीमरेज 1 ने, तो ये जो पॉइंट्स हैं जो ब्लू लाइंस में सर्कल किए मैंने, तो ये वाले पॉइंट रह गए और ये सेगमेंट बन गए, तो इन सेगमेंट को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, कि शॉर्ट पीसेस ऑफ DNA या न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA स्ट्रैंड। और ये जो बीच में गैप रह गया है
इसको लाइगेज इंजाइम सील कर देता है डीएनए के शॉर्ट पीसेस के साथ। ये नाइन्थ पॉइंट था, डीएनए लाइगेज सील द निक आफ्टर द प्राइमर इज रिप्लेस्ड विद डीएनए। नेक्स्ट हमारे पास टेंथ पॉइंट, डीएनए पॉलीमरेज वन और जो थ्री है वो 3 to 5 prime एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग का काम भी करते हैं कि यहाँ कुछ पॉइंट या ये जो शॉर्ट सेगमेंट बने हैं उनके दरमियान लाइगेज ने बाकियों को सील किया या प्राइमर को रिमूव किया, इधर भी प्राइमर को रिमूव किया, कोई मिसमैच ना हो जाए, जहाँ ए आना था उधर टी लग गया हो या जी लग गया हो या सी प्यूरिन की जगह पेरिमिडिन लग गया हो, तो ये प्रूफ रीडिंग का बाद में काम करते हैं पूरा स्ट्रैंड जब सिंथेसाइज होता है कि कहीं कोई मिसमैच ना हो एक्सोन्यूक्लीज, ये वहां से कट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं जो रॉन्ग बेसिस लगी होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है हैव 5 to 3 एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म के तौर पे भी काम करता है। इसका रिव्यू करें, देखें कि कौन कौन सा फ्रेगमेंट कहाँ काम आया है या कौन सा एंजाइम किस जगह काम आया है। तो यहाँ डीएनए लाइगेज एंजाइम काम आया है कि इसने इन दोनों पीसेस को, ये जो शॉर्ट जगह थी मिस थी, ये जोड़ दिया। यहाँ डीएनए पॉलीमरेज 1 आया है जो आरएनए प्राइमर को रिमूव किया है, और इसके बाद यहाँ पर आके डीएनए पॉलीमरेज जो 3 है वो काम आया है कि उसने यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट की है, कि ये डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये जस्ट एक रिव्यू लिया है डिफरेंट एंजाइम का कि कौन सा एंजाइम कहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है। इसमें दो स्ट्रैंड जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको लीडिंग स्ट्रैंड या कंटिन्यूस स्ट्रैंड या कंटिन्यूस रेप्लिकेशन, इसमें लैगिंग स्ट्रैंड जो इन्वॉल्व है ये वाला क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसकी रेप्लिकेशन डिसकंटिन्यूस है, तो इस वजह से इसको डिसकंटिन्यूस, तो आप यहाँ पॉइंट देख भी सकते हैं कि इसको क्यों डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम इसी वजह से इसको जो सेमी डिसकंटिन्यूस कहते हैं कि जी, या शुरू शुरू में हमने इसको स्टार्ट में कहा था कि सेमी कंजर्वेटिव है रेप्लिकेशन, के एक स्ट्रैंड ओरिजिनल दूसरा उसका टेम्पलेट, या सेमी डिसकंटिन्यूस भी कहते हैं कि एक डिसकंटिन्यूस रहता है स्ट्रैंड और दूसरा जो कंटिन्यूस है लीडिंग और एक लैगिंग जो डिसकंटिन्यूस रहता है, तो सेमी डिसकंटिन्यूस इसको कहते हैं कि रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रिमूव्स कर देते हैं आरएनए प्राइमर्स को और उसकी जगह डीएनए को ही लगा देते हैं, डीएनए की सीक्वेंसेस को, जिस तरह ये है कि आरएनए जो प्राइमर था ये एक स्टार्टर था रेप्लिकेशन के लिए कि यहाँ से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है लैगिंग स्ट्रैंड पर, तो ये बहुत सारा होगा, और जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है उसके ऊपर ये इस तरह से एक होगा, तो इसको इसमें से ये रिमूव कर देता है। इस गैप को कौन फिल करता है, या इस जो टुकड़े हैं ये वाले, इनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, इन टुकड़ों को, ये टुकड़े टुकड़े में जो ये सिंथेसिस हो रही है, ये जो शॉर्ट पीसेस ऑफ डीएनए सिंथेसाइज है न्यू लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर, नॉट ऑन लीडिंग स्ट्रैंड, ओनली ऑन लैगिंग स्ट्रैंड, तो इनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं, और इन दो फ्रेगमेंट्स के दरमियान जो एक पीसेस बच जाते हैं तो इनको डीएनए लाइगेज सील कर देता है निक आफ्टर द प्राइमर इज रिप्लेस्ड विद डीएनए, तो यहाँ डीएनए लग जाता है, डीएनए लाइगेज एक एंजाइम जाता है इनको जोड़ देता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 जो है ये 3 to 5 prime एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी का, या जिसे प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म कहते हैं, वो रोल प्ले करते हैं कि कहीं अगर कुछ मिस हो जाए या कुछ हो जाए तो पॉलीमरेज 1 और 3 जो है 3 to 5 prime एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी प्रूफ रीडिंग का मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो 5 to 3 एक्सोन्यूक्लीज एक्टिविटी डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म का, कहीं से कोई मिसमैच हो जाए या कहीं से कोई गलत लग जाए, जिस तरह ये स्ट्रैंड इस स्ट्रैंड को एज ए टेम्पलेट के तौर पर यूज कर रहा था और ये वाला स्टैंड इसको एज ए टेम्पलेट के तौर पे यूज कर रहा था, तो एक ही जगह जिस तरह टी आता है दूसरे स्टैंड पर तो टी ही आना चाहिए, अगर कोई और न्यूक्लियोटाइड आ गया है तो इन मैकेनिज्म के थ्रू वो हो जाता है। अब कुछ एंजाइम इसमें इन्वॉल्व है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लाइगेज एंजाइम जो दोनों को जोड़ता है और यहाँ पर पॉलीमरेज 1 एंजाइम है जो ये इस तरह इसको रिमूव कर देता है आरएनए प्राइमर को, यहाँ हमने देखा था जस्ट रिव्यू के तौर पर, यहाँ आपको बता रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1, यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 3 एंजाइम इन्वॉल्व है और उसका फंक्शन है एड्स न्यूक्लियोटाइड इन दी 5 prime to 3 prime डायरेक्शन में, वो इस तरह से रोल प्ले करता है। डीएनए रेप्लिकेशन का फिनोमेना या जो मैकेनिज्म, जितने भी इसमें एंजाइम या जो चीजें इन्वॉल्व है, ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को यहाँ हमने डायग्राम की मदद से यहाँ तक देख लिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको
अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।